केवट कहता है, प्रभु एक निवेदन करूं। हाँ बोलो। मां बाप क्या चाहते हैं? मां बाप ये चाहते हैं कि संतान को संपत्ति से बाद में जोड़ूं, पहले संस्कारों से जोड़ दूं। भगवान राम ने कहा यही विचार होना चाहिए कि संपत्ति मां बाप बाद में दें, पहले संस्कार दें। लेकिन उल्टा हो रहा है आजकल। संपत्ति देने की बात तो चलती है, लेकिन संस्कार देने की बात नहीं चलती है। प्यारे, आज मां बाप लगे हुए हैं कि हम अपनी औलाद को इतनी संपत्ति दे दें, इतनी संपत्ति दे दें। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना हो गया कि हम अपनी औलाद को इतनी संपत्ति दे के जाएंगे कि हमारी औलाद पड़े पड़े खाएगी। पड़े 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 बना रहे हो अपने बेटे, जमराज बना रहे हो अपने बेटे को, हैं अपनी औलाद को जमराज, हैं पड़े पड़े खाएगी। पड़े 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 जानते हो किसको कहते? पड़े तुम लोग तो जानते ही होगे, जो भैंस पालते हैं वो पड़े को भी जानते हो। क्यों भाई? क्यों जानते हैं कि नहीं जानते? पड़े में भैंस में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? आप कहो महाराज भैंस की औलाद ही तो पड़ा होती है, अंतर क्या है? अंतर है भैंस तो दूध देती है और पड़ा पीता है दूध। क्यों? और पी करके पड़ा, उसका नाम ही पड़ गया पड़ा, क्योंकि दूध पी के जो अच्छा। गौ माता बछड़े को जन्म देती हैं, तो गौ माता बछड़े को जन्म देती हैं, बछड़ा दूध पी के पड़ा लेटता नहीं है, ओछल कूद करता है। क्यों करता है कि नहीं करता? कितना अंतर है बोलो? बछड़ा दूध पी के सोता है क्या? बोलो, कभी देखा? दूध पिया और एकदम उछल कूद मचाता है। पकड़ नहीं सकते हो भाई आप, इतना उछल कूद मचाता है। और भैंस का पड़ा दूध पिया पड़ा, इसका मतलब क्या है? दूध भैंस के दूध में प्रमाद है। क्या है? प्रमाद है। और गौ माता के दूध में ऊर्जा है। अंतर आ गया कि नहीं आ गया? बल बढ़ जाए ये विशेषता नहीं है, बुद्धि बढ़ना चाहिए बल के साथ। बोलो, बल के साथ। भैंस का दूध बलवर्धक तो हो सकता है लेकिन बुद्धि वर्धक नहीं होता है, और गौ माता का दूध बलवर्धक भी होता है और बुद्धि वर्धक भी होता है। इसलिए गौ माता के दूध की यह विशेषता है, अपने बच्चों को गाय का दूध पिलाया करो। गाय का दूध माताओं पिलाओगी तो निश्चित रूप से बल और बुद्धि दोनों बढ़ेंगे। वैसे तो माँ का दूध स्नेह की धारा है, सबसे पहले तो बेटा माँ का ही दूध पीता है। ये माँ का दूध नहीं होता है, वो स्नेह की धारा है। माँ अपने बेटे को स्नेह पिलाती है। क्या पिलाती है? स्नेह। इसलिए वो केवल बेटे के लिए ही होता है। होता है कि नहीं होता है? क्योंकि वो दूध नहीं होता है, वो स्नेह होता है। स्नेह, माँ अपनी संतान को स्नेह पिलाती है। दूध तो वास्तव में गाय का ही है। बोलो, है कि नहीं? मैं एक बात कहता हूं, एक गांव की बात सुना रहा हूं, जरा सुन लो भाई, क्योंकि बात आ गई बल और बुद्धि की, तो जरा सुन लो उसको। एक व्यक्ति ने अपने बेटे से कहा कि मैंने 5 भैंस रखी हैं तेरे लिए, दूध पी दूध पी दूध दूध पी पी करके वो इतना बड़ा पहलवान बन गया कि उसने पूरे गांव को चैलेंज कर दिया है, कोई मुझसे कुश्ती लड़ने वाला। अब उसकी पर्सनैलिटी देख करके गांव के लोग बोले, हड्डी पछली तोड़ो आवे क्या, फालतू की बात करते हो, हमको नहीं लड़ना है कुश्ती। उसने जिले को चैलेंज कर दिया, क्योंकि इतना बल आ गया उसमें, ताकत पहलवान बन गया कि उसने गांव चैंपियन बना। इसके बाद जिले को चैलेंज किया, जिले में कोई नहीं लड़ने को तैयार हुआ तो जिला चैंपियन हो गया। फिर उसने प्रदेश को घोषणा कर दी, प्रदेश में है कोई मुझसे लड़ने वाला, तो प्रदेश चैंपियन बन गया, कोई लड़ने को तैयार नहीं हुआ। देश में कोई लड़ने को तैयार नहीं हुआ, उसने पूरे विश्व को चैलेंज कर दिया, विश्व में कोई लड़ने को तैयार नहीं हुआ, विश्व चैंपियन बन गया। अब घर के लोग बहुत प्रसन्न हैं कि मेरा बेटा विश्व चैंपियन, विश्व चैंपियन। 5 भैंसें इसलिए तो रखी थी, विश्व चैंपियन बन गया, 5 भैंसों ने विश्व चैंपियन बना दिया बेटे को। एक दिन उसने कहा कि मुझसे कोई नहीं लड़ रहा है,
मैं तो कुशीनगर एक्सप्रेस इंजन से कुश्ती लड़ूंगा। कुशीनगर एक्सप्रेस इंजन, कुशीनगर गाड़ी चलती है ना, गोंडा में स्टॉपेज है उसका, कुशीनगर से जाती है बम्बई जाती है ना, गोरखपुर से जाती है ना, गोरखपुर से जाती है मुंबई जाती है ना, उसका नाम है कुशीनगर एक्सप्रेस। मैं कुशीनगर एक्सप्रेस इंजन से कुश्ती लड़ूंगा और दुनिया को बताऊंगा कि मुझसे बड़ा ताकतवर है कोई। देखो बल है लेकिन बुद्धि नहीं है, समझ गए बात के नहीं? भैंस के दूध ने उसे बलवान बना दिया लेकिन बुद्धिमान नहीं बना पाया। और गया स्टेशन पर, इंतजार कर रहा है कुशीनगर कब आवे, कुशीनगर कब आवे, वो ताल ठोके। लोगों ने कहा पागल है ये, पता नहीं किसको ताल ठोक रहा है। और वास्तव में जैसे ही कुशीनगर एक्सप्रेस इंजन आया और उसने तुरंत तुरंत छलांग लगाई, और जैसे ही छलांग लगाई तो 2 सेकंड में उसका 5 भैंसों का दूध गायब हो गया। 2 सेकंड में पूरी ताकत चली गई। बोलो भाई, बलवान था लेकिन बुद्धिमान नहीं था, इसलिए बल के साथ बुद्धि होनी चाहिए। हनुमान जी के लिए कहा गया अतुलित बल धामम, लेकिन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस्त्यों लोक उजागर, लेकिन अतुलित बल धामम। हनुमान जी बलवान भी हैं और बुद्धिमान भी हैं। बुद्धि मताम वरिष्ठम, इसलिए बलवान बनना है लेकिन बुद्धिमान भी बनना है। बलवान और बुद्धिमान बनाने वाली अगर कोई दुनिया में है तो वो गौ माता है, इसलिए गौ माता के दूध का जो सेवन करेगा वो बलवान भी बनेगा और बुद्धिमान भी बनेगा। इसलिए गौ माता का सम्मान करो और गाय के दूध को अमृत मानो। प्यारे, कलयुग का सच्चा अमृत यदि है तो वो गौ माता का दूध है, इसलिए गाय की सेवा भी करो और गौ माता के दूध का भी सेवन करो। प्यारे आओ ध्यान से सुनना, जरा समझने की कोशिश करना। केवट ने कहा प्रभु मैंने तो ये संकल्प लिया है कि संतान को केवल संपत्ति ही नहीं देना है, संस्कार देना है। और संस्कार यदि संतान को दे दिया जाएगा तो ईमानदारी से बताओ संपत्ति पीछे पीछे घूमेगी कि नहीं घूमेगी? और संस्कार यदि नहीं दिया तो संपत्ति चाहे जितनी दे दो तुम, अंत में संपत्ति अंपत्ति सब चौपट हो जाएगी। बोलो, सब कुछ चला जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं संस्कारहीन होने के कारण। इसलिए मैंने ये संकल्प लिया है कि मजदूर हूं, मजदूरी करता हूं, लेकिन सोचता हूं कि अपनी संतान को संस्कार दूं। और फिर आप आ गए और मेरी संतान आपके चरण ना पकड़ पाई और चरणों का चरणोदक ना ले पाई तो धिक्कार है ऐसे माँ बाप को कि जो संपत्ति से जोड़े, रोजगार व्यापार से जोड़े और परवरदिगार से ना जोड़ पावे, धिक्कार है ऐसे माँ बाप को, लानत है ऐसी जिंदगी को। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मेरे बच्चे गाँव में हैं, मैं ले आऊँ और आपके चरणों में डाल दूँ। लक्ष्मण जी बोले भैया समझ में बात आई कुछ? राम जी ने कहा क्या? अभी पत्नी की बात कर रहा था तो पत्नी लेने गया, अब बच्चों की बात कर रहा तो बच्चे लेने जाएगा, और फिर कहेगा रिश्तेदार और रह गए तो मामा फूफा जीजा सबको बुलाएगा, क्योंकि उद्धार सबका कराना है। और एक काम किया जाए, 14 साल तक गंगई के किनारे आप बने रहो, पांव पखड़ाई होती रहे आराम से, इसके बाद वापस लौट चले अयोध्या, बस इतना ही तो होना चाहिए। भगवान बोले तुम चुप रहो भैया, उसकी बात तो सुन लेने दो। अच्छा भैया बच्चे कहाँ हैं तेरे? कहा बच्चे हमारे गाँव में। अच्छा ले आओ। दौड़ा दौड़ा गया, बच्चों से कहा चलो भगवान आए हैं, बच्चों को ले आया, भगवान के चरण में डाल दिया। जैसे ही बच्चों ने भगवान का चरण दर्शन किया, चरण प्रक्षालन किया, भगवान ने कहा तुम पत्नी बच्चे अब सबने कर लिया कि नहीं कर लिया? हाँ, अब मुझे पार कर दो। 11 बज गए, कब करोगे? केवट बोला पार तो करना चाहिए मगर। लक्ष्मण जी बोले मगर आ गया। अब मगर क्यों आया, मगर शब्द क्यों लगाया? केवट बोला इसलिए कि ये पूरा गांव है श्रृंगवेरपुर, लेकिन मैं केवल गांव नहीं मानता हूं, पूरे गांव को अपना परिवार मानता हूं, ये मेरी भावना है। अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, कथा मेरी सीमित दायरे में भी की जा सकती थी? बोलो की जा सकती थी कि नहीं? एक छोटा सा हॉल होता
उसमें 25-50 लोग हो जाते और बैठ के सुन लेते, लेकिन नहीं नहीं, स्वामी हरिशरण दास जी महाराज का संकल्प क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सुने, क्षेत्र के लोग आकर के सुने। क्यों भाई, हजारों की संख्या में आकर सुने, ये लक्ष्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और ये लक्ष्य वास्तव में ये स्वामी हरिशरण दास जी महाराज का लक्ष्य है कि हजारों हजार लोग कथा सुने, ये लक्ष्य है स्वामी हरिशरण दास जी महाराज का। इसलिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई। अभी मैं कल या कल की ही बात है, मैं आपके शिष्य हैं जो संत रामदास जी महाराज, क्यों कुटी स्थान संत राम क्या बाबा कुटी स्थान वहां गया था, मेरी प्रसादी भी थी, राजापुर गया, वहां तुलसीदास जी महाराज के गुरु स्थान का दर्शन किया, सरजू मैया का, फिर वहां कुटी पर भोजन प्रसाद पाया। तो देखिए, गुरु का और शिष्य का दोनों का नियम है कि विस्तार हो कथाओं के माध्यम से। बोलो, बाबा कुटी पर भी बहुत अच्छी कथा पिछले साल हुई, इस साल भी हमारे श्री राघवाचार्य जी आ रहे हैं वहाँ, हमारे बहुत प्रेमी हैं वो, हमारा उनका बड़ा आत्मीय संबंध है। लेकिन व्यापक व्यवस्थाओं में कथा करने का अर्थ क्या है? अर्थ यही है, केवल हमें ही नहीं सुनना है, कथा के द्वारा हजारों हजारों की संख्या में आवार वृद्ध नर नारी आकर के श्रवण करें, जिससे समाज के संस्कार सुदृढ़ हों, इस लक्ष्य को लेकर के ये व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं, कथा का आयोजन किया जा रहा है। केवट का भी तो यही लक्ष्य है कि पूरा गांव भगवान के चरण से जुड़ जाए, पूरा गांव, इसलिए उसने अपना परिवार माना। बोलो, राम कथा परिवार बैठा है कि नहीं बैठा है? ये जितने भी लोग बैठे हैं अवाल वृद्ध नर नारी, ये सब क्या है? राम कथा परिवार, ये सब राम कथा परिवार है। प्यारे, केवट कहता है कि गांव पूरा मेरा परिवार है, सभी भगवान के चरणों से जुड़ जाए, पूरा गांव भगवान से जुड़ जाए, पूरा गांव भगवान मय हो जाए, यही मेरी इच्छा है। इसलिए सरकार, इतना टाइम आपने दिया है, थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए, क्योंकि आप राक्षसों का वध करने जा रहे हैं और आगे आप निकल गए और संस्कार न मिले गांव वालों को तो राक्षस हो जाएंगे, तो फिर आप लौट के आओ, फिर परेशानी खड़ी हो जाएगी। इसलिए लंका की ही समस्या नहीं है, गांव गांव की समस्या है। और संस्कार यदि आपके द्वारा मिल गए तो निश्चित रूप से पूरा का पूरा गांव राममय हो जाएगा। भगवान ने कहा तो गांव वालों को बुला लो, गांव वालों को, पूरे गांव को इकट्ठा किया, प्रमाण मिला है। प्रमाण क्या मिला? पद पखार जल पान करी, पद पखार जल पान करी, आप सहित परिवार, आप सहित परिवार। बोलो, प्रमाण मिला कि नहीं? आप सहित परिवार, पूरे गांव को उसने परिवार माना। केवल पत्नी और पुत्र तक सीमित नहीं रहा कि पत्नियों पुत्र ही हमारे परिवार हैं, आजकल तो इतनी छोटी मानसिकता हो गई, तुम्हारा परिवार हम दो हमारे दो, इतना ही परिवार की व्याख्या होने लगी, नहीं हम दो हमारे दो। अच्छा, माँ बाप चुप रह जाते हैं, इसका मतलब है हम दो हमारे दो, माँ बाप को घर से बाहर कर दो, तभी परिवार है, हम दो हमारे दो। खबरदार, ये सीमित संकीर्ण मानसिकता आपको पतन के रास्ते पर खड़ा कर देगी। जिन बच्चों को आप अपना परिवार मानने जा रहे हो, वो बच्चे आपको मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। उस समय माथा पटक पटक करके रोगे कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे हैं। क्यों? संस्कारहीन होने के कारण। और संस्कार यदि दोगे तो याद रखना, ये बच्चे तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे, पीछे पीछे घूमेंगे और यही कहेंगे कि हमें सेवा का अवसर दो, सेवा का अवसर दो। श्रवण कुमार बनकर के, बोलो भाई, तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे? क्या बनने? श्रवण कुमार। संस्कार से क्या बनेंगे? श्रवण कुमार। इसलिए ये संस्कारों का केंद्र है, हर बालक को श्रवण कुमार बनने का निमंत्रण दे रहा है ये राम कथा का आयोजन, कि नौजवान, प्रत्येक नौजवान श्रवण कुमार बने, राम कथा का संस्कार ग्रहण करके। आज हम श्रवण कुमार बनाना चाहते हैं, ऐसे हम आज घोषणा कर रहे हैं ना, इसी तरह हमने एक जगह घोषणा की बंगाल में,
हमका प्रत्येक बच्चे को हम श्रवण कुमार बनाना चाहते हैं। कितने बच्चे हैं कि श्रवण कुमार बनना चाहते हैं? तो बहुतों ने हाथ उठा दिए, लेकिन एक सामने ही बैठा था उसने हाथ नहीं उठाया। हमने कहा क्यों तुम श्रवण कुमार नहीं बनना चाहता है? बोले बनना तो चाहते हैं, माता पिता पहले अंधे तो हो। अरे हमने कहा इसने दिमाग खराब कर दिया मेरा, ये पागल है क्या, किस तरह की भाषा बोल रहा है बोलो। तो ऐसी मानसिकता वाले भी लोग हैं समाज में, समझ रहे हो कि नहीं, इस प्रकार की मानसिकता लिए भी घूम रहे हैं। कुसंस्कारी संतान पतन का मार्ग प्रशस्त कर देती है प्यारे, इसलिए संस्कार देना परम आवश्यक है। केवट ने कहा कि पूरा गांव राममय हो जाए, इसलिए आपके श्री चरणों से मैंने पूरे गांव को जोड़ दिया है, भगवान आपने बड़ी कृपा की। भगवान ने कहा तो अब पार करो। तो केवट कहता है पार तो करना चाहिए किंतु, भगवान बोले अब भैया बहुत गड़बड़ हो गया है मामला, अब किंतु क्यों लगा रहे हो? कहे पुरखे रह गए। लक्ष्मण जी बोले अब पुरखे रह गए, पुरखे रह गए। हाँ लक्ष्मण जी बोले एक बात बताओ, गंगा की क्या महिमा है जानते हो? जितने मरते हैं सब तरने के लिए गंगाई में आते हैं, तुम्हारे पुरखे यहीं पैदा हुए यहीं रहे यहीं मरे फिर भी नहीं तरे। तुम्हारे पुरखे कैसे थे जो गंगाई के किनारे पैदा हुए यहीं रहे यहीं मरे और फिर भी नहीं तरे, अभी भी रह गए तरने के लिए? केवट बोला सुनो महाराज, भगीरथ का प्रयास नहीं होता तो आपो के पुरखे नहीं तरते। क्यों भाई, केवट तो केवट है, क्या गजब की बात कह रहा है समझ लो। महाराज भगीरथ का प्रयास नहीं होता बोलो तो भगीरथ के प्रयास के बिना भगवान के पुरखे राजा सगर के 7000 बेटे बोलो तर पाए क्या? प्रयास किसका था? महाराज भगीरथ का प्रयास था। इसलिए केवट कहता ये मेरा भागीरथी प्रयास है, बोलो है ना, ये मेरा भागीरथी प्रयास है। इसलिए कृपा करके आज आप मुझे मौका दे दो प्रभु, क्योंकि गंगा के किनारे तो पैदा हुए गंगा के किनारे रहे यहीं मरे लेकिन नहीं तरे, इस बात का अनुभव मुझे है। कहा क्यों नहीं तरे? क्योंकि गंगा कब तारती हैं, कब तारती हैं गंगा? वे गंगा तब तारती हैं जब तरने वाले व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं, याद रखना कर्म अच्छे होते हैं तब। तो तुम्हारे पुरखों के कर्म अच्छे नहीं रहे? कहे सरकार अब आप ही समझ लो, जिस जात में पैदा हुए हैं इसके बाद गंगा के किनारे रहे हैं, लेकिन हमारा गांव पूरा कैसा गांव है? बोले अस कही भेंट सजोवन लागे, श्रृंगबेरपुर की बात सुना रहा हूं, अस कही भेंट सजोवन लागे ओ कंद मूल फल खग मृग मांगे ओ मीन पीन पाठीन पुराने भर भर भार कहारन आने, मीन पीन पाठीन पुराने। मछली मछलियां भर के लाए स्वागत में, बोलो क्या लाए भर के जल्दी बोलो, मछलियां भर के लाए स्वागत में। जब भरत जी आए थे तो बोलो क्या लेके गए थे, ये सब मछलियां लेके गए थे कि नहीं गए थे? अच्छा मछलियां लेके जाएं तो क्या समझोगे तुम, जल्दी बोलो, सोच लो जरा तुम है? कलकत्ता हम गए एक बार, बहुत पहले की बात है, 25-26 साल पुरानी बात है। जब कलकत्ता पहुंचे तो एक डॉक्टर परिवार में हमको ठहराने की व्यवस्था की गई। मैंने कहा देखो भैया हम भोजन हमारा विद्यार्थी बनाता है तभी हम पाते हैं, नहीं तो हम किसी का हाथ का भोजन प्रसाद नहीं पाते हैं। कहे महाराज डॉक्टर का परिवार है, पूरा फ्लैट खाली है, ऊपर का नीचे वो लोग रहते हैं, आपको अपने हिसाब से रहना है कोई दिक्कत नहीं। पहुंचे 11:30 बजे रात को, अब डॉक्टर आ गया, बोले महाराज जी बिना कुछ खिलाए सोने नहीं दूंगा। अरे हमने कहा 11:30 बजे अब हमारे चेले बनाएंगे तो 2 बज जाएगा रात का। हम बोले महाराज हम अपराधी ना हो जाएंगे और संत भूखा सोए। हमने कहा ऐसा है कि हम नहीं पाएंगे, तुम जिद क्यों कर रहे हो? बोले महाराज जी कुछ भी कुछ भी। हमने कहा तो एक काम कर, चेले से कहा कुछ नहीं है, अगर कोई सब्जी हो तो वायल कर ले, बस वायल कर ले, बस थोड़ा सा ले लेंगे बस, और हम कुछ लेंगे नहीं। मैंने कहा कि सब्जी है? बोले हाँ सब्जी तो है। तो हमने कहा सब्जी में क्या है? आलू। बोले आलू नहीं खाता हूं, डायबिटिक परिवार है पूरा। इनका अच्छा अच्छा आलू तो क्या है फिर? लौकी। बोले लौकी
नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि उसमें नकली लौकी आती है, उसमें इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है इसलिए लौकी। तो हमने कहा फिर तरोई? हाँ बोले तरोई है। तो हमने कहा तरोई है तो तरोई लाओ। बोले तरोई, तरोई क्या है? जल तरोई। हम नहीं समझते। हमने कहा हाँ हाँ वही तरोई, जल के बिना कोई सब्जी पैदा होती है क्या? तो बोले हाँ जल तरोई तो है। तो अब हम समझते ही नहीं थे जल तरोई क्या होती है। तो जैसे गया लौट के आया, बोला ये बताओ मूछ वाली के बिना मूछ वाली? अरे हमने कहा अब चक्कर है, अब झंझट है इसमें, तो ये तो बहुत बहुत बड़ा झंझट है। हमने कहा ऐसा है बेटा कि 12 बजे से ज्यादा बज गया है, इस समय भूत वेला शुरू हो गई है, अब हम सब्जी भी नहीं लेंगे। बोले नहीं नहीं गुरु जी क्या? हमने कहा 12 से ज्यादा हो गया है टाइम, और हमारी बात मानो, आज्ञा नहीं मानोगे तो अपराध में जाओगे। रात भर नींद नहीं आई, ऐसे ही बैठे रहे। जब कमेटी के लोग आए, बोले महाराज कुछ लिया? हमने कहा कि धर्म बच गया, यही बहुत कुछ हुआ। बोले नींद? हमने कहा नींद आएगी, अब नींद आएगी हमको। हमने कहा सुनो, अगर प्रवचन कराना है तो हमको किसी मंदिर में रोको। अब हम कलकत्ता में रुकेंगे तो मंदिर में रुकेंगे, किसी मंदिर में हमको रोको अगर प्रवचन कराना है तो। बोले महाराज जी क्या हो गया ऐसा? हमने कहा जो हो गया है वो मैं जानता हूँ, हार्ट अटैक नहीं हुआ, बस यही बच गया। सुन करके इतनी खतरनाक स्थिति है। तो समस्या इस बात की रहती, भैया हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खान पान आहार विहार बिगड़ा, हमारा धर्म कर्म बिगड़ जाएगा। बोलो धर्म कर्म बिगड़ जाएगा तो कितना हूँ गंगा स्नान करो तुम, ईमानदारी से बताओ कैसे तुम्हारा तरन तारण होगा? जब तक खान पान की शुद्धि नहीं होगी, और यदि तुमने दूषित खान पान किया है तो प्रायश्चित कर लो कि हमसे भूल हो गई, अब हम पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, दोहराएंगे नहीं। तो मैं सत्य कहता हूं, गंगा के पास नहीं जाना पड़ेगा, गंगा जल घर में ही पी लोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा प्यारे, गंगा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए केवट कहता है प्रभु आप सब जानते हो, मीन पीन पाठीन पुराने, भर भर भार कहारन आने। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि बिना आपका चरणोदक लिए मेरे पुत्रों का उद्धार होने वाला नहीं है, इसलिए आप कृपा करिए। भगवान बोले पितरों का भी उद्धार कर ले। तो गोस्वामी जी कहते उसने पितरों के नाम पर भगवान के चरण धोए, और जैसे पितरों के नाम पर चरण प्रक्षालन किया, और पितरों के नाम पर चरण प्रक्षालन करके जो चरणोदक था पितरों के नाम पर तर्पण किया, और जैसे ही तर्पण किया तो जितने भी इसके पितर और पुरखे थे वो सब जय जयकार करने लगे प्यारे, सब दुहाई देने लगे, पितर पार कर प्रवह पुनि मुदित गयो लय पार। अब एक अंतिम बात और कह दूं।